एक बात बताइए, हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया, ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे, सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के, सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। या दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई, लोकसभा में भी बीजेपी हारी, हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे, झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे, हेमंत बाबू दोबारा झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया, अंतिम दिन एक घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। जब एक सप्ताह से पूरा सरकार गांव-गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई, और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम तो माफी मांगे पूरा जनता से, लोकसभा में 11,000 वोट मिली, अभी उनको 33,000 वोट मिला, और मैं जानना चाहता हूं जदयू को 75,000 लोकसभा में वोट मिली थी, 92,000, 24,000 से हम पीछे थे। हम जानना चाहते हैं कि जदयू का वो वोट किसने शिफ्ट किया चालाकी से निर्दलीय के पक्ष में, और कौन लोग हैं इसके पीछे। पूरा का पूरा मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए, बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है, और ये रास्ता कांग्रेस दे सकती है एक नए गठबंधन के साथ, क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का जो सबसे अधिक वोट है कोसी सीमांचल मिथिलांचल में, उनका मोह भंग हुआ है नीतीश जी और आरजेडी से। ऊंची जात के लोग नीतीश जी और आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते, इसलिए स्वाभाविक कांग्रेस सहमति बनेगी। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, ये बीमा जी की हार नहीं है, ये हार है 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर, अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है, और युवराज मत बनिए,
फरमान मत दीजिए। और नीतीश बाबू अपने मंत्री लोगों को कहिए, अपने एमपी एमएलए को बोलिए, अपने माँ बाप बेटा के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट रहे हैं और दूसरे पर एफआईआर करवाते हैं बैठ के, और आपका पदाधिकारी और नेता मंत्री मिल करके मरवाता है जादुका को, जादुका परिवार की हत्या सरकार की में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई और उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए हारे। बस मेरा इतने कहना है कि एनडीए में बीजेपी का वोट जदयू को नहीं मिला और सही कोऑर्डिनेशन नहीं आरजेडी ने की और अपने पार्टी को गठबंधन धर्म नहीं निभाया और सिर्फ पिकनिक करने चले गए, जिसके चलते ये हारू।